एक इस चुई की बच्ची ने ये पूरा किचन दिखाओ, जिसमें हमें इस चुई को पकड़ने के लिए पूरा किचन छानना पड़ा और बाहर भी ये देखे अंदर सारा किचन इसने पटवा दिया, खाना खराब की बच्ची ने सारा कुछ। चले आए बाहर। अल्लाह, अब ये जब मैं संभालूंगी ना तो मुझे पता चलेगा। मुझे नहीं समझ आती हमारे घर में चुहियां आती कहाँ से, आवाज भी लेके आता है। टीवी उतार के रखा हुआ था हमने इसके लिए, ये लो बाहर फेंक दो। आपको ही बना के देती हूँ, खा लोगे हड्डी के बगैर, बड़ा मजे का। अस्तगफुरुल्लाह, झाड़ू कटिंग खा ली थी बड़ी। चलो हटो, ओए गंदिया, अब आप पीछे कर। मरजूक सोया हुआ था, शुक्र है, वरना इसने तो, क्योंकि हम इसकी पैकिंग कर रहे थे, ये जितना सामान आया हुआ था ना ये सब हम गाड़ी में लेके आए हैं और इसकी पैकिंग कर रहे थे। अंदर देखो तो जूसी को अपन को चू चू पापा को बुलाया, फिर लास्ट में छुप के बैठ गई, सारे कैमरा छान मारा। मैंने अपनी लाइट ली, मम्मा का फोन लिया और जाके छाने वहां से इसकी दुम लग रहा। अच्छा चलो जाओ अभी करके आओ। फाइनली मैंने सारा किचन यहां से संभाल लिया है और ये देखें कितना कचरा निकाला है हमने। नहीं ऐसे नहीं फेंकना, शॉपर के अंदर रहने दो, शॉपर के अंदर रहने दो। क्या कर रहे हो आप, मेरी चीजें तोड़नी है आपने? अब आप उठा है, अब आप देख के हैरान हो गया कि मम्मा ने सारा कुछ जो है ना संभाल दिया, अब सिर्फ बर्तन रह गया। मैं कहा मैं बर्तन धो लूं। अब आपसे मैंने कहा बिस्तर उठाओ सारे, अब आपने बिस्तर उठाए हैं क्योंकि सारा सामान अभी इधर साइडों में था। अब आपसे बिस्तर उठवाए हैं, मैंने कहा मैं अब नाश्ता बना लूं। सफाना को लगाया हमने झाड़ू लगाने पर, सारे मिल के करें ना काम फिर ईजी हो जाता है। बेटे ये टूटा हुआ है ना, ये देखो इसको सारे को ठीक करना है। अभी इसको बाहर रखे आए, अंदर सारा गंदा हो रहा है ना, क्योंकि अभी सारी चीज़ें मैंने संभाल ली हैं, इसको धोना है, पोछा लगाना है, सारा काम करके ना तो फिर अभी नीचे से आई है छोटी। हम लोग आटा भी एक्सचेंज करते हैं भाई। आटा गूंदा हुआ उन्हें चाहिए वो ले जाते हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत हो तो मैं ले लेती हूँ, मुझे दे दो। करती हो ना उल्टे काम, अब करेंगे ना टीनू तो मैंने ले लेना है। फिर इधर इधर लाओ, मैं इधर मार के दिखाऊं जरा, हैं दिखाऊं? अब नहीं ऐसे करना, ओके। चलें जी, मैं नाश्ता शास्ता बनाऊं, फिर मिलते हैं, साथ ही रहे हमारे साथ, तो साथ ही हैं आप लोग, है ना भाई, है ना भाई। मैंने कहा सुबह सुबह उठ के ना पहले मैं किचन संभालूं, फिर बच्चों को भूख लगी हुई होती है तो औरत जो है ना वो औरत सारे काम कर सकती है बेचारी। औरत जो है ना बिगड़े से बिगड़े घर को भी नीट कर सकती है, सेम इसी तरह ज़िंदगी भी है। चाय चाहिए? मैं अभी चाय देती हूँ। एक औरत बच्चों को भी संभाल सकती है, गंदे से गंदे घर को साफ कर सकती है, गंदे से गंदे इंसान के साथ भी रह सकती है। कि वो इंसान कितना भी अखड़ मिजाज हो ना, कैसा होना, एक औरत उसे संभाल सकती है, ये बात ही नहीं है। बस अल्लाह पाक उनके मियाँ बीवी दोनों के अंदर से जब अना निकल जाए ना तो औरत बहुत कुछ कर सकती है। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, औरत बहुत कुछ कर सकती है अगर वो सब्र पे आ जाए ना। औरत जितना सब्र किसी में भी नहीं होता, तो अल्लाह पाक हर बेटी को हर बहन को जो है ना सब्र की तौफीक दे और समझने वाले खावंद अदा करे। क्योंकि अभी भी ये जो एक वाकया चल रहा है एक बच्ची का जिसको जिसने सुसाइड की है, तो बस अल्लाह पाक देखें, ज़िंदगी ज़िंदगी हर किसी की मुश्किल होती है लेकिन समझ के चलना पड़ता है। अल्लाह पाक हर किसी को समझने की समझाने की तौफीक अता फरमाए। सफाना जान ये सारे कार्ड उठा दें, ठीक है, और झाड़ू लगा के ना वो सारा कचरा एक साइड पे कर देना आप, ठीक है बच्चे? मैं नाश्ता बना लूँ। चलें जी। नहीं जी, आटा जो है वो ने फिर ज़रूरत पड़ गई सारा हमें, मैंने कहा आप ही ले जाओ एक बंदा तो आटा ले जाए। बर्तन मैं धो रही थी, अब मैंने गूंदने लगी हूँ आटा, मैंने कहा मैं अब नाश्ता बना लूँ आटा गूंद के। मैंने कहा एक बंदा ले जाए, एक बंदे का मैं क्या, थोड़ा थोड़ा आटा उनको दिया। और अब हम यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आटा गूंदूंगी, नाश्ता बनाते हैं।
जब मुझे ज़रूरत होती है मैं मंगवा लेती हूँ, जब उन्हें ज़रूरत होती है वो मंगवा लेते हैं। मैं अभी इसलिए था, मैंने कहा आटा गूंदा हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी से ना नाश्ता बना लूँगी, ये पता ही नहीं था कि अब उन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी। चले कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आटा दोबारा गूंद लेते हैं। यहाँ पे अवाब खान जो है वो कर रहा है, खाना खिला रहा है मोहम्मद को। इसे सुबह से भूख लगी हुई थी और इसी के चक्कर में मैंने सारे बर्तन संभाले हैं। मम्मा मुझे चाय दे दें, मम्मा मुझे चाय दे दें। सफाना को क्या हुआ है जान? मूड बना हुआ है, भूख लगी हुई है इस टाइम सबको, क्योंकि रात को भी मैंने इन्हें खाना कोई नहीं दिया, पेट में दर्द है भूख की वजह से हो रही है। मैं अभी नाश्ता बना के देती हूँ बेटे को, ठीक है? चले अवाब खान, बेटे फिर वो गुस्सा कर जाएगा ना। मोहम्मद ले लो, मेरी बेटे को दो, मेरी जान खुद हीटिंग करेगी। जान मोहम्मद जान आप दे दो बेटे, प्यार से दो भाई को, ठीक है? मैं जल्दी से आटा गूंद लूँ, मैं आटा छोड़ के गई। नाश्ता बन गया है हमारा, ये देखें जी। और अपने घर की चाय पीने का ना अपना ही मज़ा है, कि जो आपके अपने घर की चाय होती है ना, यकीन माने मैं अम्मी के घर गई हूँ, इनके ताया अब्बू के घर गए हैं, हम लोग कहीं भी गए हैं ना, वो चाय का मज़ा नहीं जो अपने चाय का मज़ा है ना। चलें जी नाश्ता बन गया, आ जाएं बच्चे। सफाना ने शीट बिछा दी है और अब हम करेंगे नाश्ता, बाबा को भी बुला के ले आए। चलें जी, पानी देखें ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद का योगर्ट आ गया, जान का, मोहम्मद जान, छोनी जान, आ जाएं, बिस्मिल्ला पढ़े, ज़्यादा ठंडा, मिक्स कर लें बेटे, मिक्स कर लें, आ जाओ शोने, चलें बिस्मिल्ला पढ़े, आमीन। और ये देखें इधर अभी वैसे ही सारा कुछ है, क्या लगे हुए हो आप? और अब आप खान अपनी अलमारी सेट करने में लगा हुआ है। चलें जी हम नाश्ता कर लें। राइट हैंड से मोहम्मद बेटे, राइट हैंड से जान, राइट हैंड से पीते हैं जानू, आप पी लिया, उल्टे हैंड से पी के पी लिया, गंदी बात है जान, बिस्मिल्लाह पढ़ के राइट हैंड से लेते हैं। चलें जी हम नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के बाद मैंने सारे बर्तन रखे हैं, मैंने कभी बर्तन वॉश करते हैं, आटा वगैरह फ्रिज में रखते हैं, और ये मोहम्मद के बाहर के काम है, जो कि इसने पूरा सोफ़ा उठा के नीचे बिछाया हुआ है। और जी कहाँ पे? इधर नीचे नाप के। चलो आप सीधा काम भी कोई करती हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, खैर ध्यान से काम करें। सफाना को मैंने बिठाया है कि अभी आप अपना काम करो, क्योंकि मैं पहले बर्तन किचन वगैरह संभाल के फिर सारी सफाइयाँ करूँगी, क्योंकि आज मैंने अपने बैग्स भी संभालने हैं जो कल के ऐसे ही रखे हुए हैं। कपड़े वगैरह मैंने निकाले तो हैं, अभी मैं साथ साथ अलमारियाँ नीट कर रही हूँ, साथ जो है कपड़े संभालूंगी। अभी ये जो है ना बच्चों के ऐसे ही नए कपड़े कुछ रह गए थे जो पहने ही नहीं थे, मैंने कहा इनको ऐसे ही रख देते हैं। ये सारी सेटिंग जो है अभी मैं बाद में करूँगी, पहले बर्तन शर्तन धो लें। और इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अगली वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।